तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन। दोस्तों अभी जो आपने गाना सुना भाई, हम सोच रहे थे कि पवन सिंह ने सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए गाया है, लेकिन नहीं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया है कि ये गाना पवन सिंह ने ऑफिशियली गाया हुआ है। एक अपनी मूवी में उन इस सॉन्ग का उन्होंने उपयोग करा था, जो कि एक बहुत गहरे रिश्ते को बताता है, ऐसा हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था कि वो गाना बहुत इमोशनल था और वो गाना अपने एक चहीते के लिए पवन सिंह ने गाया था, जो उनके भाई से बढ़कर था, दोस्त था जिसके लिए उन्होंने ये गाया था, और उसके लिए गाया हुआ गाना उन्होंने स्टेज पे गाया, इसलिए इतनी तालियां उस दिन स्टेज पे बजी थी जो लाइन उन्होंने गाई थी कि तोहरा जैसन भाई का। तो लेट्स सी ओरिजिनल सॉन्ग कैसा था। शुरू करते हैं अभी, गो। बहुत जवान लग रहे हैं, तो पुराना गाना है बहुत लग रहा है। सिंगर पवि सिंह, मधुकर आनंद, तोहरा जैसन यार कहाँ। जुड़ गई तोहरा से जाने ही कैसन बंधन, लागेला सबसे हटके आपन के जैसन, ई मतलबी दुनिया में बाय ऐसन प्यार कहाँ। तोहरा जैसन भाई, तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। लिरिक्स लाजवाब यार, जिस तरह से इन्होंने गाया है, इमोशंस बहुत बढ़िया है। तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। एक डॉग के लिए गाना गाना और वो फीलिंग जगा देना भाई पवन सिंह ही कर सकते हैं। उनकी आवाज में एक दर्द है यार, ये तो सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, नो डाउट, मजा आ रहा है सुन के, आवाज में ही दर्द है उनकी। जिकरा हाथ के तू खालने वाला बन जाला तू, रखवाला। क्या बात है, व्हाट अ लिरिक्स यार, जबरदस्त। जेकर हो जा तू सच्चा संगी, दूर पराए ओ घर से तंगी, प्यार के कर्ज चुकावे ला ऐसन वफादार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। बिल्कुल चोट लगी है। यार कंपोजिशन भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत प्यारा कंपोजिशन है। तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। बहुत बढ़िया क्या बात है, ये इनके असली भाई तो नहीं है। रूसा ना ऐसे हम अर्ज करी ले, माफी दा हमके हम हाथ जोड़ी ले। ओके, तोहरा जैसन अब का बन पाई, इंसान से बढ़ के बड़ा तू भाई। क्या बात है, तू जान लुटैला मन लहार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। क्या
क्या बात है यार, काफी इमोशनल था, फुल ऑफ इमोशंस से भरपूर था ये गाना, मज़ेदार। मतलब कहते ना कुछ गाने होते हैं जो गाने खुद अपने आप ही एक स्टोरी बयां कर जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार कि अब ऐसे गाने क्यों नहीं आ रहे। हाँ यार, ये अब क्यों नहीं आ रहे, अब तो क्यों लहंगा चोली और इसके हाँ, पीछे पड़े हुए हैं यार। इतने बढ़िया गाने गाए यार पवन सिंह ने, क्या मज़ेदार रंग सॉन्ग था यार ये, बहुत बढ़िया है। और ये भोजपुरी को इसी तरह के गानों की एक्चुअली में ज़रूरत है। अगर आपको भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पे, आप लॉलीपॉप क्यों हिट हुआ है, अगर आप ये हेलो कौन या इस टाइप के गाने क्यों हिट हुए हैं, तो अगर आप ये गाना सुनोगे तो आपको एक्चुअली पता चला कि भोजपुरी में गाने क्या बनते थे। बड़ा सॉन्ग फील के साथ गाया है, स्टोरी एक अपने आप में बयां कर दी, उस छोटे से सॉन्ग की अलग ही स्टोरी है। मतलब उसको पिक्चर से हटा दो उस सॉन्ग को, तो वो अपने आप में एक स्टोरी वाला सॉन्ग बन जाए। इसको अलग से एक सिंगल भी रिलीज कर देता ना, मिलियन में भी चले जाता डेफिनेटली आज के टाइम पे, अगर इसको उस तरह से रिलीज किया जाता तो। 2017 का लिखा हुआ है यहाँ पर डेट, 2017 की मूवी में आया था ये, 6 साल पहले उस मूवी में था ये। ये तो अपलोड की डेट है, क्या पता ये और भी पहले आया हो, 6 साल पहले तो ये अपलोड हुआ है, तो हो सकता है और भी पहले आया हो। यार भाई मैं सच में बहुत बड़ा फैन हो गया इस गाने के बाद पवन सिंह की सिंगिंग का, क्या गाया है उन्होंने यार इस गाने को, कितने सहजता से, कितने आराम से, दिल के साथ इस गाने को गाया है। एंड नाउ आई फील कि वो जो स्टेज शो पे उन्होंने खेसाई लाल को गले लगाया था, दैट फीलिंग नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो फीलिंग एक्चुअली में उन्होंने रियल में दिल से उनको गले लगाया था। बिल्कुल यार, वो क्योंकि वो इमोशनल टाइप का मोमेंट ही था वो भी एक तरीके से। अगर उन्होंने वो गाया था ना तो वो सच में कोई पॉलिटिकली, जैसे लोग बोल रहे हैं इट्स अ पॉलिटिकल गेम, नहीं यार, अगर ये गाना सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाने से आई थिंक पर्सनली टच है कहीं ना कहीं पवन सिंह, और इसलिए उन्होंने उस दिन ये गाना उनको डेडिकेट किया, क्योंकि ये गाना एक्चुअली में अपने आप एक स्टोरी बयां करता है, एक मोहब्बत एक दो भाइयों के बीच की जो भी रिश्ता होता है वो बयां करता है। और मैं सच बोलूँ इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत यहाँ पर दिखाई गई है, कि इंसानों में इतनी मोहब्बत नहीं रहती, वो जानवरों में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक्चुअली इंसान जानवर की बात ही नहीं है, ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है, फीलिंग्स की, फीलिंग्स बात, की बात है। पवन सिंह की आवाज़ मुझे दर्द था भाई, वो फीलिंग्स पूरी उभर के आई, दिल चीर के रख दिया दोस्तों, हमने दिल चीर के रख दिया। अच्छा आप लोगों में, हमको तो जो बहुत पसंद आया, आप लोगों में ऐसा कौन है जिन्होंने हमारे साथ ये सॉन्ग सुना है, या फिर पहले भी सुन चुके हैं, कि हमारे साथ सॉन्ग सुन के और ज़्यादा मज़ा आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के कुछ स्पेशल सॉन्ग्स हो तो यार रिक्वेस्ट करके बताओ, हम भी एक्चुअली में भोजपुरी, ये सच में मुझे लगा कि हमने भोजपुरी सॉन्ग सुना है, पूरा भोजपुरी था लेकिन मज़ेदार था ये साइड भोजपुरी का, हमें देखना है तो ऐसे और कोई गाने हो तो सजेस्ट करना, बिल्कुल सजेस्ट करो यार, हम रिएक्शन देना चाहेंगे। तो आप लोग भी देखना चाहते हो तो ही सजेस्ट करना, पता चले हम रिएक्शन भी देते हैं और आप लोग देखो भी नहीं, ऐसा नहीं हो कि वो देखे भी नहीं कोई, तो ऐसा सॉन्ग रिएक्शन करना जो सच में आप लोग भी देखना चाहते हो कि हम उस पर रिएक्शन करें, और जनता भी देखना चाहती हो। तो मैक्सिमम वो कमेंट जिसका आएगा हम उसकी वोटिंग डाल देंगे, जिस पर वोट सबसे आ जाएंगे उस पर रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जो नया है वो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।